हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। सो टुडे हियर वी विल डिस्कस अबाउट द दिस कंटिन्यूएशन फेस ऑफ टीबी मेडिकेशन। ओके, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था इंटेंसिव फेस ऑफ टीबी का। ओके, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिव फेस यानी कि जो टीबी मेडिकेशन हमने किस प्रकार डिवाइडेड किया है और अल्टीमेटली टीबी में किस पेशेंट को कितना टैबलेट देना है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो डिटेल मैंने वहाँ पे बताया था। लेकिन यहाँ पे भी हम रिपीट कर लेते हैं, तो पर्टिकुलर स्ट्रिप मुझे हाथ में लगे, दैट्स वाई पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया। ओके, तो टीबी अल्टीमेटली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू। ये कैटेगरी मतलब कोई पेशेंट किस कैटेगरी में आता है उसके, मतलब कोई भी पेशेंट है उसको कितने महीने का कोर्स यानी कि टीबी मेडिकेशन उसको कब तक देना है ये डिपेंडेंट होगा कि किस कैटेगरी में वो आता है। तो कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू ये हमने डिवाइडेड किया है। सेकेंड थिंग, उसको पर्टिकुलरली कितना टैबलेट लेना है और कौन सी कलर की उसकी ये स्ट्रिप होगी। ओके, तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये पर्सन के वेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो वेट बैंड्स रहते हैं हमारे पर्टिकुलरली कलर टीवी के मेडिकेशन। ओके, और दैट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द पर्सन। ओके, तो मैंने आपको बताया कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू इज फॉर द ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टीवी मेडिकेशन कब तक चलेगा उसको, वो कैटेगरी वन और कैटेगरी टू में आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंड थिंग, कितना उसका वेट है ये पर्टिकुलरली उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें कितना टैबलेट लेना है और कौन से कलर की स्ट्रिप हमें मिलेगी। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टूडेज क्लास। ओके, तो कैटेगरी वन मैंने आपको बताया जितने भी ऑल न्यू केसेस होते हैं। ओके, फैमिली हिस्ट्री में ड्यू टू द फैमिली हिस्ट्री आया वो स्मूटम पॉजिटिव आया। ओके, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है या फिर पल्मोनरी टीबी है, मेनली पल्मोनरी टीबी होता है लेकिन इट मे बी देयर केसेस। ओके, देयर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी हो सकता है। ओके, तो पर्टिकुलरली जितने भी ऑनली केसेस हैं, फैमिली हिस्ट्री है, स्पूटम पॉजिटिव आया विथ टीबी, ओके, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी, तो ये सभी जो हमारे पर्टिकुलर जो केसेस है और इसके बिलोंगिंग जो पर्सन होते हैं कैटेगरी वन में हम उनको रखते हैं। उनका जो कोर्स होता है वो 6 महीने का कोर्स होता है और जो कैटेगरी टू के जो कैंडिडेट होते हैं या फिर जो पेशेंट होते हैं उनका 8 महीने का कोर्स होता है। ओके, 6 महीने का जो कोर्स है, ओके, कैटेगरी वन के पेशेंट का, अल्टीमेटली वो डिवाइडेड होता है दो फेज में, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज उनका 2 महीने का होता है और कंटिन्यूएशन फेज उनका 4 महीने का होता है। ओके, आई विल रिपीट, कंटिन्यूएशन फेज उनका 4 महीने का होता है, इंटेंसिव फेज उनका 2 महीने का होता है। स्टार्टिंग कौन सा होता है, स्टार्टिंग इंटेंसिव फेज का होता है। इंटेंसिव फेज 2 महीने बीत जाने के बाद, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद दिस टीबी मेडिकेशन ऑफ कंटिन्यूएशन फेज। ओके, कंटिन्यूएशन फेज ये 4 महीने की होती है और इंटेंसिव फेज हमारा जो होता है वो 2 महीने का होता है। ओके, हम इंटेंसिव फेज से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूएशन फेज से हम एंड करते हैं। ओके, 6 महीने का कोर्स होता है कैटेगरी वन कैंडिडेट का या फिर पेशेंट का। अभी बचा यानी कि फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, नहीं तो बाद में फिर से अगेन रिपीट करना पड़ेगा। इंटेंसिव फेज जो होता है उसमें आपको पर्टिकुलरली 4 जो मेडिसिन होते हैं ना, ये जो आपको टैबलेट दिख रहा ना, ये टैबलेट में कोई एक टैबलेट मतलब एक कोई कंटेंट नहीं है, जैसे आपने पैरासीटामोल सुना होगा। ओके, बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक टैबलेट में एक ही मेडिसिन रहता है, लेकिन टीबी जो मेडिसिन है ना ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में आता है, यानी कि एक टैबलेट में आपको बहुत सारे ड्रग मिलेंगे। ओके, एक टैबलेट में आपको बहुत सारे ड्रग मिलेंगे। तो इंटेंसिव फेज जो 2 महीने का है, ओके, जो 2 महीने का कोर्स है कैटेगरी वन कैंडिडेट या फिर पेशेंट का, उसमें 4 ड्रग रहते हैं। ओके, ये देखिए आपको मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड, इथम्ब्यूटॉल। ओके, ये क्या है, कंटिन्यूएशन फेज की टैबलेट है, इसमें पाइरीजेनामाइड नहीं है। ओके, तो जो इंटेंसिव फेज रहता है उसमें 4 ड्रग रहते हैं, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें अगर हम पाइरीजेनामाइड जोड़ देंगे तो वो इंटेंसिव फेज की मेडिसिन हो जाती है। तो ये जो टैबलेट है इसमें 3 ड्रग है। ओके, ये देखिए रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड एंड इथम्ब्यूटॉल। ओके, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड एंड इथम्ब्यूटॉल। ओके, तो पर्टिकुलरली 3 ड्रग रहते हैं हमारे कंटिन्यूएशन फेज में और इंटेंसिव फेज में हमारे 4 ड्रग रहते हैं। एक बार अगेन समराइज कर देता हूं मैं, आपको कन्फ्यूजन वगैरह ज़्यादा ना हो। कैटेगरी वन 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने में हमने 2 महीना इंटेंसिव फेज रखा स्टार्टिंग के, और बचे हुए जो 4 महीने उसमें हमने कंटिन्यूएशन फेज रखा। ओके, उसको हमने क्या बोला, कंटिन्यूएशन फेज बोला। ओके, इंटेंसिव फेज 2 महीने का मैंने आपको बताया। इंटेंसिव फेज में जो पर्टिकुलर जो दवा देते हैं ना, आइदर कितना भी टैबलेट दें इट डजेंट मैटर, जो एक टैबलेट जो पेशेंट को लेना पड़ता है ना उसमें 4 ड्रग रहते हैं। ओके, उसमें कितने ड्रग रहते हैं, ये देखिए उसमें कितने ड्रग रहते हैं, 4 ड्रग रहते हैं, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड, इथम्ब्यूटॉल और पाइराजिनामाइड। ओके, ये टैबलेट इंटेंसिव फेज की नहीं है इसलिए इसमें पाइराजिनामाइड नहीं है। ओके, पाइराजिनामाइड जो पर्टिकुलरली जो मिलीग्राम का रहता है वो 400 मिलीग्राम समथिंग का कुछ रहता है, रिफैम्पिसिन 150 मिलीग्राम रहेगा, आइसोनियाजेड 75 मिलीग्राम का रहेगा, इथम्ब्यूटॉल
ये 275 मिलीग्राम का रहेगा और पायराजेनामाइड या 400 मिलीग्राम का होता है। इंटेंसिव फेज में जो टैबलेट लेते हैं एक टैबलेट में 4 ड्रग रहते हैं, कंटिन्यूशन फेज में जो टैबलेट लेते हैं उसमें 3 ड्रग रहते हैं। तो कंटिन्यूशन फेज की स्ट्रिप है, यहाँ पे 3 ड्रग ही कंटेंट है। ओके, देन मूव ऑन टू द पर्टिकुलरली कैटेगरी 2 कैंडिडेट। ओके, या फिर जो पेशेंट प्रीवियसली जो ट्रीटेड जो केस होते हैं, ओके, अगर उनका टीबी बराबर तरीके से क्योर नहीं हुआ है, ओके, या फिर ट्रीटमेंट फेलर हो गया है, या फिर रिलैप्स आया है, या फिर डिफॉल्टर है, तो वो सभी जितने पेशेंट होते हैं ना, दे आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी 2। ओके, आई विल रिपीट अगेन, प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस, ट्रीटमेंट जिनका फेल हो गया है, जिनका रिलैप्स हो गया है, वो दवा लेने भूल गए थे, या फिर उनको जो सिम्टम आ रहे थे, ओके, नाइट स्वीटिंग थी, फीवर था, ये सभी उनका जैसी एज सुन एज ये सप्रेस हो गया, फिर कम हो गया, उन्होंने टीबी की मेडिकेशन लेना छोड़ दिया। ओके, एंड दैट्स व्हाई उनका क्या हुआ, रिलैप्स हुआ। तो रिलैप्स के जो कैंडिडेट है उनको हम क्या बोलेंगे, कैटेगरी 2 के कैंडिडेट बोलेंगे, या फिर उनको पेशेंट बोलेंगे। उनका जो कोर्स होता है वो 8 महीना कोर्स होता है। ओके, उनका कितना कोर्स होता है, 8 महीना कोर्स होता है, और अल्टीमेटली उस 8 महीने कोर्स में उनका पर्टिकुलरली जो इंटेंसिव फेज होता है ना, वो पर्टिकुलरली कितना होता है पता आपको, वो 12 वीक का होता है। ओके, 12 वीक मीन्स कितना होता है, कैलकुलेटेड। ओके, और जो कंटिन्यूशन फेज होता है वो 20 वीक का होता है। जो पर्टिकुलर कैटेगरी 1 मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हमारा 24 वीक टोटली था। ओके, 6 महीना टोटली था। और जो हमारे कैटेगरी 2 है इसमें कितना वीक्स होते हैं, इसमें हमारे पर्टिकुलरली 32 वीक्स रहते हैं। ओके, 32 वीक्स कैटेगरी 2 हमें मेडिसिन देना पड़ता है, यानी कि 8 महीना देना पड़ता है उसको, और कैटेगरी 1 में हमने मैंने आपको बताया 6 महीना कोर्स होता है। अभी जो इंटेंसिव फेज है ना, उसको आपको कितना देना पड़ता है, आपको कैटेगरी 2 में इंटेंसिव फेज में कितना देना पड़ता है पता आपको, ये 12 वीक तक चलता है। 12 वीक मींस कितना हो गया, 4 वीक्स एक मंथ में रहते हैं, तो 12 वीक्स मींस 3 मंथ, तो 3 महीने उसको कंटिन्यू कितना करना पड़ता है, ये देखिए 8+4 मींस देयर 12 वीक्स इज कंटिन्यू विद द इंटेंसिव फेज, एंड 4 महीने उसके कितने रहते हैं पर्टिकुलरली, अगेन रिपीट करेंगे, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा होगा। ओके, तो कैटेगरी 1 6 महीने कोर्स थी। ओके, टोटल 6 मंथ लगा। कैटेगरी 2 जो रहता है उसमें हमें कितना मंथ लेना पड़ता है, 8 महीने का कोर्स रहता है। ओके, 8 महीने का जो कोर्स होता है उसको हमने पर्टिकुलरली इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूशन फेज में हमने डिवाइडेड किया। तो 8 वीक जो रहता है, सॉरी इंटेंसिव फेज का जो कैटेगरी 2 के जो इंटेंसिव फेज है वो 12 वीक की रहती है, और जो कंटिन्यूशन फेज होता है वो 20 वीक का होता है। ओके, 20+12 कितना हो, 32 वीक्स हो गया, यानी कि कितना हो गया हमारे, कितना हो गया, 8 मंथ हो गया। ओके, तो जो 12 वीक्स है यानी कि जो 3 मंथ है वो पर्टिकुलरली हमारा इंटेंसिव फेज, उसमें मेडिसिन चलता है, और बचे हुए जो 5 महीने हैं उनको हम कंटिन्यूशन फेज के मेडिसिन में रखते हैं। कंटिन्यूशन फेज अगेन सेम यही यहाँ पे रहता है। ओके, जितने यहाँ पे मैंने आपको मेडिसिन बताया यही सेम यही यहाँ पे रहता है, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, एथंबिटोल, यही रहते हैं। कैटेगरी 2 को भी यही हम दवा देते हैं। ओके, बट उनका जो ड्यूरेशन होता है वो ट्रीटमेंट का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, तो अगेन समराइज कर देते हैं आपको, अगेन एंड अगेन आपको सुनना पड़ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अगेन एंड अगेन आप लिसन करोगे तो द पॉइंट्स विल बी इजी फॉर यू। कैटेगरी 1 6 महीने कोर्स थे, जितने भी पेशेंट आते उसमें 6 महीने कोर्स था, कैटेगरी 2 के पेशेंट को 8 महीने कोर्स है। कैटेगरी 1 में जो इंटेंसिव फेज था 2 महीने का था, कंटिन्यूशन फेज 4 महीने का था। कैटेगरी 2 में जो इंटेंसिव फेज है वो आपका 3 महीने का कोर्स है, और जो कंटिन्यूशन फेज है वो 5 महीने का कोर्स रहेगा। अभी जो कैटेगरी 2 है ना, उसमें हम दवा के साथ साथ उनको इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उनको इंजेक्शन भी लेना पड़ता है अलॉन्ग विद दिस टीबी मेडिसिन। उनको रोजाना या फिर पर 3 वीक्स ऐसा कुछ गवर्नमेंट का रूल है। ओके, तो उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, जो कि थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट में उन्हें फ्रीली ऑफ कॉस्ट उनको वो पर्टिकुलर प्रोवाइडेड होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैटेगरी 2 में जो कैंडिडेट है या फिर जो पेशेंट है उनका 8 महीना कोर्स है, इंटेंसिव फेज 3 महीने का चलने वाला है, और पर्टिकुलरली जो उनका कंटिन्यूशन फेज है वो 5 महीने का चलेगा। ओके, 5 महीने में जो 3 महीने का जो स्टार्टिंग जो इंटेंसिव फेज चलने वाला है वो हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, पहला 8 वीक और बचे हुए 12 वीक। ओके, पहले 8 वीक में हम क्या करते हैं, उसको टैबलेट के साथ साथ उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी देते हैं, और बचे हुए जो 12 वीक होते हैं उनमें हम सिर्फ उसको टैबलेट खाने बोलते हैं। जो बचे हुए जो बाद में 20 वीक है ऑफ कैटेगरी 2, ओके, जिन्हें हम कंटिन्यूशन फेज बोलते हैं, उनको हम एक ड्रग ऐसे कम करके, ओके, ये जो टैबलेट है जिसमें 4 ड्रग कंबाइन है उसमें हम एक ड्रग कम करके, जो कि पायराजेनामाइड होती है 400 मिलीग्राम का होता है, वो उसको कम करके उसको हम क्या करते हैं कंटिन्यूशन फेज में उसको टीबी वो पर्टिकुलर क्या करते हैं उसको दवा देते हैं। ओके,
तो पर्टिकुलरली ये आपको बताना चाहिए ज़्यादा कुछ, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या कंटिन्यूशन फेज होती है, क्या हमारा फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टीबी के आपके सिम्टम्स वगैरह आपका पता होगा, नाइट स्वेटिंग वगैरह रहता है, कफ 2+ वीक्स हो जाते हैं इसको, ओके, लॉस ऑफ अपेटाइट, फीवर, वेट लॉस, फैटिक, ओके, लिथार्जी, ये सभी उसके क्या है, सिम्टम्स है, ओके। तो टीबी जो होता है अल्टीमेटली ये आपको एज सुन एज क्योर करा लेना चाहिए, या फिर जो भी पर्टिकुलर आप पेशेंट को जो सजेस्ट करोगे उन्हें एज अर्ली एज इसका ट्रीटमेंट पॉसिबली, ओके, और विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन और यू कैन से प्रॉपर जो गाइडलाइन दिया गया उसके साथ ही फॉलो करना रहता है। अदरवाइज आप देखते होगे कि जो टीवी के जो पर्टिकुलरली जो सल्फोनेला जो हमारा माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबोकुला है, ओके, जो पॉजिटिव जो एजेंट है टीवी का, ये बहुत ही लॉन्ग ईयर तक ये लैटेंट फेस में हमारे बॉडी में रहता है, ओके। तो एज सुन एज बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वीकेंड हो जाती है, वो बॉडी को तुरंत अटैक करता है, ओके, वो तुरंत अपने जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑरिकन से उसके ऑर्गेनिज्म में वो तुरंत रेप्लिकेट या फिर तुरंत वो उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ओके। तो बैक्टीरिया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरिया क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो कलर बैंड्स की अगर बात करें तो कलर बैंड्स जो होता है ना, ओके, ये ग्रीन कलर की जैसे स्ट्रिप है इंटेंसिव फेस की, जो मैंने आपको मेडिसिन बताया था वो रेड कलर की बताई थी, ओके। तो जो कलर होता है ना, अलग अलग कलर अलग अलग वेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ओके। तो 30 to 39 ये जो हमारे वेट बैंड है, हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ मैं आपको कि जो ये टीबी के जो मेडिसिन है ना, ओके, कितना इनको टैबलेट देना पड़ेगा। तो अगर 30 to 39 के रेंज में अगर वो बंदा आता है तो उसको हम 2-2 टैबलेट देते हैं, ओके। 40 to 54 के अगर वेट के रेंज में आता है उसको हम 3-3 टैबलेट देते हैं, दोनों में, हाँ, कंटिन्यूशन फेज इंटेंसिव फेज दोनों में। इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग था, ओके, ये देखिए इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग था और कंटिन्यूशन फेज में कितना रहता है 3 ड्रग रहता है, बस यही ज़्यादा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। जो पर्टिकुलरली ड्रग की जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं और यू कैन से जो डोसेज होते हैं वो हाइयर होते हैं हमारे इनिशियली इंटेंसिव फेज में, और कंटिन्यूशन फेज में बाद में वो कम हो जाते हैं, ओके। तो 30 to 39 हमारे क्या रहते हैं 2 उनको टैबलेट लेना पड़ता है पर डे, 40 to 54 3 टैबलेट पर डे, 55 to 70 4 टैबलेट पर डे, और मोर देन 70 जो एजेस के जो पर्सन होते हैं या फिर जो पेशेंट होते हैं उनको 5-5 टैबलेट रोजाना लेने पड़ते हैं, ओके। और वही कैटेगरी 2 के अगर पेशेंट रहते हैं तो उनको अलॉन्ग विद डेट हम क्या करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी देते हैं, ओके। तो अगेन एक बार समराइज कर देते हैं वेट बैंड्स के अकॉर्डिंग, 30 to 39 के जो पर्टिकुलर बीइंग जो कैंडिडेट होते हैं या फिर जो पेशेंट होते हैं उनको 2-2 टैबलेट हम देते हैं बोथ फेस, इंटेंसिव फेस और कंटिन्यूशन फेस दोनों फेस में, ओके। और उनका जो कलर कोड होता है वो येल्लो होता है, ओके। और 40 to 54 के जो वेट्स के जो पेशेंट होते हैं, ओके, जो टीबी के भी जो पेशेंट होते हैं उनको 3 टैबलेट पर डे और उनका जो पर्टिकुलर जो कलर होता है, ओके, स्ट्रिप का वो ब्लू कलर होता है। 55 to 70 जो वेट हमारे पर्टिकुलर जो पेशेंट होते हैं उनको 4 टैबलेट पर डे एंड उनका लाइट ग्रीन क्या होता है पर्टिकुलरली क्या होता है उनका कलर का स्ट्रिप होता है, ओके। ये लाइट ग्रीन नहीं है, डार्क ग्रीन है, आप ये समझ देखिए, ओके। तो और जो मोर देन 70 जो होते हैं उनको 5-5 टैबलेट पर डे लेना पड़ता है, ओके, दोनों फेसों में, ओके। और जो उनका जो कलर स्ट्रिप होता है पिंक कलर होता है, ओके। तो डोज ऑफ जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है वो भी वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, 30 to 39 के जो रेंज के जो पर्सन होते हैं उनको समथिंग रिगार्डिंग 500 मिलीग्राम कुछ का उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ओके। देन 40 to 54 के जो पेशेंट रहते हैं उनको समथिंग 75 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ओके। एंड बचे हुए जो 55 to 70 या फिर मोर देन जो 70 है उनको 1 ग्राम की स्ट्रेप्टोमाइसिन की इंजेक्शन लेनी पड़ती है। 1 ग्राम जो मैं आपको बोल रहा हूँ 500 मिलीग्राम 750 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम, ओके, वो 2 ml का इंजेक्शन होता है। 2 ml में 500 मिलीग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन का पर्टिकुलर ड्रग होता है, ओके। 750 मिलीग्राम में जो पर्टिकुलरली जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो ड्रग है उसमें 2 ml ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन में 75 मिलीग्राम का स्ट्रेप्टोमाइसिन रहता है, ओके, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने जो सभी आपको देखा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, आपको भी थोड़ा सा इरिटेशन थोड़ा सा होता होगा, ओके। तो पर्टिकुलरली मैंने आपको दो डिवाइडेड फेस किया, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 मैंने आपको बताया 6 महीना कोर्स और कैटेगरी 2 8 महीना कोर्स। कैटेगरी 1 में मैंने आपको इंटेंसिव फेस कंटिन्यूशन फेस बताया, इंटेंसिव फेस इनिशियली 2 महीने का रहता है, कंटिन्यूशन फेस 4 महीने का रहता है, ओके। कैटेगरी 2 जो था वो 8 महीना कोर्स था, इंटेंसिव फेस 3 महीना, कंटिन्यूशन फेस 5 महीना, ओके। मैंने अलग अलग तरीका भी बताया कि इंटेंसिव फेस में 4-4 ड्रग कंबाइन होते हैं एक टैबलेट के अंदर, कंटिन्यूशन फेस में एक टैबलेट में 3-3 ड्रग रहते हैं, ओके।
जो कैटेगरी टू के जो इंटेंसिव फेज होते हैं जिनमें 3 महीने का जो कोर्स होता है वो भी 8 वीक और 12 वीक में डिवाइडेड होता है। इनिशियली 8 वीक में हम उसको एक एक टैबलेट में जो चार्टर ड्रग होता है वो टैबलेट देते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी देते हैं। ओके, और बच्चे जो 12 वीक होते हैं ऑफ इंटेंसिव फेज उसको हम सिर्फ टैबलेट देते हैं और कंटिन्यूसिव फेज एज पर सेम एज पर्टिकुलरली कैटेगरी वन। ओके, बाद में मैंने आपको बताया वेट बैंड के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पर्टिकुलरली उसको कलर बैंड्स वगैरह दिया है और उसको कितना टैबलेट लेना वो बताया गया। तो 30 to 39 इन दोनों फेसों में दो दो टैबलेट रोजाना उसको लेना पड़ता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन उसमें कितना होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उसको कितना लेना पड़ता है, पर्टिकुलरली 500 mg/2 ml, यानी कि 2 ml जिसमें 500 mg की स्ट्रेप्टोमाइसिन ये ड्रग होती है। ओके, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 mg स्ट्रेप्टोमाइसिन 2 ml का इंजेक्शन उसको लेना पड़ता है। ओके, दो ml सभी पूरे जो वेट्स हैं सभी कैटेगरी वाले जो वेट्स हैं सबको लेना पड़ता है, लेकिन उस 2 ml में कितना स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग होता है। ओके, तो 40 to 54 वाले जो वेट्स वाले जो पर्सन है, ओके, जो पेशेंट है, उनको 3-3 टैबलेट दोनों फेस में लेना पड़ता है और जो इंजेक्शन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की, ओके, वो 750 mg होती है। ओके, 2 ml ही इंजेक्शन होगी लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज 750 mg। ओके, 55 to 70 जो वेट के जो पेशेंट होते हैं, ओके, उनको 4-4 टैबलेट रोजाना लेना पड़ता है। उनका जो बैंड होता है लाइट ग्रीन कलर होता है। ओके, एंड पर्टिकुलरली उनका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन होता है वो 2 ml का ही रहता है, लेकिन इसमें 1000 mg यानी कि 1 gram की वो इंजेक्शन है। ओके, 1 gram/2 ml स्ट्रेप्टोमाइसिन की इंजेक्शन उनको लेनी पड़ती है। ओके, तो जस्ट ये आपको इतना पता होना चाहिए और इसके बारे में कुछ ज़्यादा इतना नॉलेज करने की जरूरत नहीं है। बाद में वो आता है कि जो एक्सट्रीमली या फिर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आते हैं या फिर एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट जो टीबी होते हैं उनके लिए अलग अलग हम मेडिसिन वगैरह स्टार्ट करते हैं। ओके, कैप्रियोमाइसिन, पैरामिनोसल्फालिक एसिड, मॉक्सोफ्लॉक्सिन, ओके, ये सभी अलग अलग ड्रग आते हैं। बस मोनली जो अप्रोप्रिएट रहते हैं वो आपको बताना चाहिए। ओके, जो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो टैबलेट होती है अल्टीमेटली ये रेड कलर की होती है। ओके, इफ इट ओपन मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए समथिंग, ये जो टैबलेट रहती है ना, ये देखिए आपको दिखता होगा ये रेड कलर की टैबलेट, ये जो रेड कलर है ना ये अल्टीमेटली रिफैम्पिसिन की वजह से होता है। ओके, और इसी के लिए इसका ये रीज़न रहता है, ये देखिए मैं आपको इधर शो करके भी दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए आपको यहाँ पे प्रिकॉशन में बताया गया कि रिफैम्पिसिन जो रहता है ना, ये देखिए वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ, देखिए रिफैम्पिसिन शुड बी यूज विथ एक्सट्रीम केयर इन पेशेंट नोन टू हैव लीवर डिसीज और डिसफंक्शन। तो लीवर डिसीज या फिर लीवर फेलर के कंडीशन में, लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर फेलर के कंडीशन में वी विल नॉट प्रिस्क्राइब द टीबी मेडिकेशन। ओके, हम उसको अलग टीबी की मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर दें। ओके, सेकेंड लाइन जो टीबी जो रहते हैं थायोसिडोसोन, पैरामानो सल्फलिक एसिड, इथोनामाइड, ओके, ऐसे कुछ कैप्रोमाइसिन कुछ ऐसे रहता है। ओके, तो ये देखिए लीवर डिसीज में, किडनी डिसीज में नहीं देते हैं और इसका जो कलर होता है ना ये रेड कलर का होता है, मैंने आपको जैसे दिखाया यहाँ पे रिफैम्पिसिन की वजह से ये रेड कलर इसको मिलता है और दैट्स वाई पेशेंट को हम पहले से ही इसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके यूरिन का कलर, आपके स्वेट का कलर रेड कलर हो सकता है। ओके, तो इट मे चेंज द कलर ऑफ स्वेट एंड यूरिन, ओके, एज अ रेड। ओके, तो दैट्स ये आपको इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें लिखा भी नहीं गया है। एंटी टीबी ड्रग रेजिमेन कैटेगरी DSTB कंटिन्यूशन फेज का है, डेली ट्रीटमेंट रेजिमेन है। ओके, तो ये आपको पता है, देखिए रिफैम्पिसिन 150 mg, आइसोनियाज़ 75 mg, इथंबुटोल 275 mg और पाइरेजिनामाइड जो रहता है 400 mg का, वो पर्टिकुलरली वो माइनस हो जाता है कंटिन्यूशन फेज में। ओके, तो जस्ट गाइस मैंने आपको एक इन शॉर्ट बताया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टीबी मेडिकेशन, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहेगा और जो भी कुछ बैकग्राउंड में आपको साउंड वगैरह सुनाई दिया उसके लिए आई विल अपोलाइज फॉर दैट। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर गाइस, देखिए जो टीवी मैंने आपको खोला है पर्टिकुलर टीवी की मेडिसिन गिर रही है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस, थैंक यू।